हे गाइस आ जाओ फिर चलते हैं हनोल की ओर। तो फिलहाल हम चक्राता पहुंचने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ ठीक बहुत सारी व्यू आए थे। बमड़ाई का सुकून कैसा लग रहा है? व्यू बहुत ही अच्छा है। 40 किलोमीटर ट्रेवल करके हमें ये जन्नत मिल पाई है, और इस जन्नत बहुत जगह आ रही है, बीच में बहुत जगह आई थी, पर ये बहुत उनमें से सबसे बेस्ट है। ये हमारे घोड़े हैं, एक बार निर्णय लिया है कि हमें आज हनोल पहुंचना है, उसके प्रति हमारी जो विक्की भाई रुको हेलो गाइस कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो फिलहाल ये मेरा व्लॉग है, हम चलने वाले 200 किलोमीटर वो भी पैदल। हम जा रहे हैं हनोल अपने गांव से, जो कि है यहाँ से 200 किलोमीटर दूर। तो देखते हैं 200 किलोमीटर दूर कैसा सफ़र रहता है। दो दिन हम चलेंगे कंटिन्यू मीन्स अभी हम चले सुबह 5 बजे, तो देन हम 7-8 बजे तक चलेंगे शाम के। तो देन कहीं रुकेंगे गाँव में, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट चलना वहाँ से हनोल, जो कि मेला लगता है बिशू का मेला होता है, जो कि जौनसार बाबर में ही होता है, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो पूरा खत जाती है। तो फिलहाल हम गांव के लड़के लोग जा रहे हैं, तो देखते हैं फिलहाल कैसा सफ़र रहता है हमारा। और यहाँ व्यूज़ वगैरह बहुत प्यारे, आप देख सकते हो पीछे बहुत प्यारे व्यूज़ हैं। मैं आपको दिखाऊँगा शॉर्ट्स वगैरह दिखाऊँगा व्यूज़ के, बहुत प्यारे। तो फिलहाल देखते हैं, हमने बैग वगैरह रखा हुआ है, पानी वगैरह हम पे सब रखा हुआ है हम पे फिलहाल। तो फिर चलते आगे अब, क्योंकि बहुत दूर है और स्पीड हमें मेंटेन रखनी पड़ती है। ओके बाय बाय। हम पहुंचने वाले चक्राता फाइनली। कितने किलोमीटर चल गए हम चल चुके हैं 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 15 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है। और टाइम कितना हो गया? 2 दिन के ट्रैक में से 8 बज गए। हम कितने बजे निकलते? 6 बजे। हम 6 बजे निकलते हैं, 2 घंटे 15 किलोमीटर, 2 घंटे हम कंटिन्यू चल चुके हैं। 200 किलोमीटर और हमें 2000 मीटर की एलिवेशन अचीव कर ली है फर्स्ट डे। हमें जाना है 5000 मीटर तक, और हम 12000 कदम चल चुके हैं अभी तक फिलहाल। और सब लोग की थके तो खैर कोई नहीं अभी, एनर्जी सब में ये और आगे भाई लगे अनिल भाई व्लॉग बनाने में अपना अलग से। और ये हमारे साथ सीनियर खिलाड़ी है जो गांव का भांजा, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति। और ये तो फिलहाल चलते चक्राता तो पहुंच ही गए, पहुंचे नहीं अभी फिलहाल, है अभी 4-5 किलोमीटर और दूर है, तो पहुंच के थोड़े दिखाएंगे व्यूज वगैरह। ओके बाय बाय। थोड़ा आगे से करना। कैसे लग रहा सबको? बहुत ही अच्छा, सेक्सी, बढ़िया। नहीं सेक्सी लग रहा। टच चलो हाय सर, ओए सुन स्लोमो बनाए सबका, अब कौन ठड़े आंडे सिनेमैटिक शॉट ले आगे जा। यो 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 हमने सुन दो हे गाइस आ जाओ फिर चलते हैं हनोल की ओर। तो फिलहाल हम चक्राता पहुंचने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, और रास्ता देख सकते हैं हम, शॉर्टकट मारने पड़ेगा, क्योंकि रोड ही रोड जाएंगे तो बहुत दूर रह जाएंगे। तो फिलहाल साथ वाले चल गए साहब, और व्यूज़ वगैरह देख सकते हो आप कितना प्यारा है। दे दिखाओ क्या इसे खरू बोलते हैं हमारे जौनसारी में, थोड़ा खट्टा मीठा सा होता है, और देख जैसे कि आप देख रहे हैं हल्का सा ब्लूइश कलर है इस पे, एंड बाहर जो है ये कांटे होते हैं, तो थोड़ा इससे बच के रहना होता है। बट ये ओवरऑल इसका टेस्ट जो है बहुत ही अमेजिंग है। बाकी आओ खाओ। हाँ। आप लोग
ऐसी चीज़। एंड बाकी जो है ना, अगर आप जौनसार आते हो तो खौरू कश्मोई आछोई इसका जरूर टेस्ट करके जाएं। तो थैंक यू, तो फिर चलते हैं हनोल की ओर। लो कर दी स्टार्ट। अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले ये लोग सब आगे निकल गए थे, मैं और शुभम भाई पीछे रह गए। और ये देखो जिस पसीना इतना आ गया, पता नहीं कहाँ खो गए। दो तीन चक्कर मारे, फिर जो है यहाँ पे आर्मी वाले रहते हैं, उन्होंने थोड़ी हेल्प करी और फिर तब जाके ये लोग मिले। पहले जो 10 किलोमीटर थे बहुत ही मॉडरेट वो थी, चढ़ाई थी, लेकिन जो लास्ट के 2 किलोमीटर आए हैं बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी। आप ही टी शर्ट देख सकते हैं पूरी गीली हो गई है, और अभी एलिवेशन शायद 2500 मीटर पे आ गए हैं। और अभी हमें बहुत आगे जाना है, और अभी पहला दिन है, कल भी हमने ट्रेवल करना है। पानी वगैरह सब खत्म हो गया, मौसम खराब हो रहा है, आप देख सकते हो खत्म है। और आगे बुग्याल आने वाले, ना कोई स्टे की व्यवस्था है, पता नहीं हम कहाँ तक पहुँचते हैं, देखते कहाँ तक पहुँचते। साथ बनाए रखिए और साथ में देखते रहिए, पहाड़ी लुक। हम पहुंच चुके हैं चक्राता के बहुत टॉप में, जो कि कितने हजार फीट है, 3000 मीटर हाइट में टॉप में। और यहाँ कोरा हो रहा है, और मेरे हाथ में डंडा भी, क्योंकि मुझसे तो चला जा नहीं रहा। और देखते हम हाई मिडोज में आ गए हैं, यहाँ कहते हैं देवियों का वास रहता है, तो हमें आगे प्रवेश करने से पहले धूपबत्ती जलानी है। अप्रोक्स 3000 मीटर एलिवेशन पे पहुँचने वाले हम, तो आगे बिल्कुल हाई मिडोज आएंगे जो आप बुग्याल कहते हो। तो इधर कहा जाता है कि देवियों का वास रहता है, जो यहाँ चरवाहे आते हैं और जो लोग आते हैं, हमारे जो एंसेस्टर लोग जो थे उन्होंने अपनी बकरियाँ चुगाने के लिए, तो उनकी रक्षा वो देवियाँ ही करती थी, इसलिए जब भी हमें आगे जाना होता है तो पहले यहाँ धूपबत्ती जलाते हैं। तो आज तो थोड़ा कोहरा है, लेकिन यहाँ का जो सीनरी है बहुत ही प्यारी है। हाँ, इधर कोहरा कोहरा है, नीचे बहुत फिट पे दिखेगा नहीं, और ऊपर भी देख सकते हो कोहरा जा रहा है इसी। तो फिर धूपबत्ती आप भी जला रहे हो? हाँ, सब जलाएं। तो उठ रहा था तो कूलिया उधर तो आते तू भी धूपबत्ती बस अब जल्दी हो गया जल्दी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू होता है। और हमारे पूर्वजों ने हर बार कम से कम यही बोला है, 15 से 17 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं, सुबह 6 बजे निकले थे, अब इससे आगे जाएंगे। ये हमारे पहाड़ी लुक वाले शुभम भाई हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आगे जैसे मैंने कहा था हाई मिडोज जो बुग्याल है वहाँ देवियों का वास होता है। और पहला पड़ाव यो चल, अरे मैं लंबी नहीं, थोड़ी सी बना रहा। हम बहुत थक चुके हैं, हम बैठे हैं टॉप में बैठे हुए, तो हम रास्ता दिख रहे हैं, और रास्ता मतलब पहाड़ वगैरह भी दिख रहे हैं, कोहरा दिख रहा है, कोहरा ही है पूरा। तो फिलहाल यहाँ बैठ के हम रास्ता सोच रहे हैं किधर से जाना। फिलहाल हम यहाँ से रोड में जाते हैं, अगर रोड मिलती है, रोड तो मिलेगी नीचे जाके मिलेगी, तो रोड में जाते हैं। फिलहाल भूख वगैरह भी बहुत लग रही है, तो शॉप वगैरह देखते हैं कोई मिलेगी तो खाना खाते हैं वहाँ बैठ के। थोड़ा मेरी हालत देख भी सकते कैसी हो रही है, मैं तो लेटा हुआ हूँ आराम से रिलैक्स मोड में, और मेरे पास मेरी छड़ी है जो मुझे यहाँ तक चाहिए जिसने अभी तक। तो फिलहाल चलते अब थोड़ा रेस्ट करके फिर रोड की तरफ चलते हैं। ओके बाय। तो
तो हमें कहाँ जाना है? अभी हम पहुँच चुके हैं, कम से कम 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया हमने अपने गांव से यहाँ तक। तो हमें ये आपको सामने पहाड़ दिख रहा होगा, बहुत आगे ऊपर है। तो हम इधर से होते हुए वहाँ पहुँचेंगे पहले। अगर हम आज वहाँ तक भी पहुँच गए तो बहुत है। तो इसके पीछे हनोल है, तो हमें वहाँ जाना है। तो फिलहाल बहुत दूर है, तो बहुत ही ज्यादा दूर है। तो देखते आज अगर पहुँच जाएंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम कल पहुँचेंगे। सामने पहाड़ दिख रही है चोटी, उसकी अपोजिट उधर की साइड। तो फिर देखते हैं, अगर चले फिर। खाना खाना तो खा लिया है, थोड़ी सी एनर्जी आ गई, हमें पानी पुनी भी मिल गया है। तो फिलहाल चलते हैं, चले डंडे खड़े रखो, चले गुरु जी खड़े रखो, चलो चलो। हम तब से चल ही रहे पहुँचेंगे तो खैर वो भाई नहीं इतनी जल्दी, 200 किलोमीटर बहुत होता है। तो फिलहाल तो हम अभी तक लगभग चल चुके हैं 24,000 स्टेप, जो कि बहुत होता है। एक 24,000 स्टेप हम देखते हैं बाद में। जगह भी दिखेगी नहीं, प्यारी है। हेलो यो विकी भाई, रुको ले रहे हो ले कहीं चांडा फोटो यार, वीडियो है जानी भी आ रहा है। बहुत थक चुके हैं भाई, प्राण नहीं रहे चलने के। चाचू गाइस, ये है देवदार की लकड़ियां, मकान बनाने के काम आती है, बहुत ही मजबूत होती है। लाइफ इसकी लोहे से भी ज्यादा रहती है, कम से कम 2-2 साल तक ये लकड़ियां चलती है जब मकान बन जाता है इसकी लकड़ी से। देवदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देवताओं के पेड़ है, जिस घर में लगाई जाती है उस घर में जूतों के साथ नहीं जाया जाता। और इनको ले जा नहीं सकते प्लेन एरिया में ना, कहीं सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है। अगर जो यहाँ बनाना चाहता है तो वो ले जा लेता आसपास वाले लोग, बट जैसे देहरादून वगैरह परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है जो कि बहुत मुश्किल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन के बिना नहीं जाता। आ जाना मेरे पास, मैं दिला दूंगा तुम्हें। Hey guys, हम पहुंच चुके रानीथाट। हम बहुत थक चुके, बहुत मतलब हम यहाँ रुके थे थोड़ा रेस्ट करा, ओनली 2-3 मिनट्स इतना ही हमने रेस्ट करा। बाकी क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम पहुंच जाए हनोल, क्योंकि कल होगी वहाँ बहुत भीड़। और हम इसलिए सोच रहे कि आज पहुंच जाए क्योंकि हम रेस्ट वगैरह कर लेंगे, क्योंकि हम उठे हुए 4 बजे से। तो फिर अगर हम रेस्ट वगैरह कर लेंगे तो कल इन्जॉय भी कर लेंगे अच्छे से, जागरण वगैरह। अदरवाइज कोशिश कर रहे हैं अगर पहुँच गए तो हम 6-7 बजे तक भी, और बाकी देखते हैं अब अगले स्टेशन में रुकेंगे तो। बाकी भाई लोग चल ही रहे हैं, चलो ओके बाय बाय, देखते रहिए आप लोग, स्किप मत करना बीच में बिल्कुल भी। चलते ओके बाय बाय। देवदार का पेड़ है यार, यार पिक तुम बैठा बिल्कुल सही है, मोटा ना यार। देखो तो स्टार्टिंग वगैरह, ये पैसे पूछे तो हमारी पहाड़ी डिश है जिसे बोलते हैं ये भाई साहब बावर, ये गुड़ और आटे, गुड़ का पानी और आटे को मिक्स करके बनाई जाती है, मीठी होती है, वैसे घी के साथ खाई जाती है। घी तो हमारे पास है नहीं, तो अब ऐसे ही चाय के साथ देखते हैं। चाय इधर खिलाना, भयंकर ऐसी ऐसी खाएंगे चाय तो बिताने में, तो कोल्ड ड्रिंक के साथ दो दो खा लो, अभी देखते हैं दो दो ले वाह क्या भी खा लेते हैं। फिर बाबर भयंकर है। ये है बुग्यालों की देवी माँ आकाशी, 5,000 मीटर की हाइट पे है ये, बहुत ही मेहनत करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। ये शुभम भाई हमारे यहाँ, ये देखिए क्लाइंब ले रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है इधर टॉप में आके? वो कहते हैं ना क्लाइंब वाज वर्थ इट, ये वर्थ इट था, भले ही बहुत थके हैं, एक दो बेहोश होने वाले थे। भैया थोड़ी धुंध हो रही है इसलिए साफ नहीं दिख रहे, तो टॉप में सबसे ऊपर यही है। इस साइड आइए, आपको चूड़दार दिखाते हैं, दिखेगा तो जंगल है ना आगे दिख रहा है। इधर आज धुंध हो रही है, नहीं तो यहाँ से चूड़धार दिखता है जो हिमाचल प्रदेश में शिमला डिस्ट्रिक्ट में, नहीं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अभी तो धुंध है क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है यहाँ से, पता लग रहा है कितनी हाइट में। थोड़ा ही साइड देख लो,
चलो आप ये मान लीजिए देहरादून के सबसे हाईएस्ट पीक पे हम इस टाइम पे टॉप में आ रखे माउंटेन का। हम जाते हैं तो इन दोस्तों के एक प्रोग्राम बना के यहाँ मंदिर भी है, वो है पीछे छोटा सा आपको दिख रहा होगा मंदिर, छोटा सा बड़ा मंदिर भी होता है। तो फिलहाल हम बहुत ही टॉप में आ रहे, मेरे तो बहुत हालत डाउन हो गई, मैं मना भी कर रहा था देने लोगों ने बोला फिर आगे। तो यहाँ पर हमने पूजा वगैरह कर लिया, तो देन हम जाते हैं वापस नीचे जाते हैं फिर अनहोल की तरफ जाते हैं, क्योंकि तो मुश्किल ही लग रहा है पहुँचना अनहोल में, चार तो बज चुके हैं, चार नहीं साढ़े चार हो गए, तो फिर चलते अब। चले नील भाई चले चलते अब, चलो चलो। हम इतनी प्यारी जगह में कि अभी आप देख ही सकते हो मेरे बैकग्राउंड में कितनी प्यारी जगह, नीचे तक ऐसी सी और बैक में भी आपको मैं दिखाता हूँ, बैक कैमरे से दिखाता हूँ, इतनी प्यारी जगह जो आप देख सकते हो कितना प्यारा है, यहाँ ऐसी बहुत सारी व्यू आए थे। बमड़ाई का सुकून, कैसा लग रहा है व्यू? बहुत ही अच्छा है। 40 किलोमीटर ट्रेवल करके हमें ये जन्नत मिल पाई है, और ये जन्नत बहुत जगह आ रही बीच बीच में, बहुत जगह आई थी पर ये बहुत उनमें से सबसे बेस्ट है। ये हमारे घोड़े हैं, यहाँ घोड़े घोड़े सब है जो कि खड़े होने लायक है। हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से गांव जा रहे हैं? गांव अब तो सीधे वहाँ निकलेंगे। कहाँ? कथियान है, कथियान जा रहे हैं हम आज रात को, वहीं स्टे करेंगे, देन नेक्स्ट कल हम जाएंगे अनहोल। अब मौसम हो रहा बहुत ख़राब, बारिश भी हो गई है, और भागना पड़ेगा जल्दी जल्दी।